करे, जीवन के अंदर हम कोई बुरा कर्म ना करे, सर्वे आशा सब दिशाओं में। अब देवताओं की तारीख है, जैसी देवताएं कौन है, जनवरी से लेकर फरवरी तक या अपने चैत्र प्रतिपदा से लेकर के ये सब हमारी रक्षा करे। और हमारे जो घर के अंदर विद्यमान माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो अध्यापक, हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले ऋषि महर्षि या महर्षि ज्ञान जी का जो उपदेश है, वो सब हमको चारों तरफ से रक्षा करें। सब उनके उपदेशों का पालन आज महर्षि ज्ञान जी का बोलो सब है। वास्तव में ज्ञान जन्म दो प्रकार के, फिर अपने कर्म के। हम सभी यहाँ पर यज्ञ कर्म कर रहे हैं। हम यादव आदि उपजाति अलग है हमारी, परंतु हम सभी ब्रह्म क्रिया कर रहे हैं। हम स्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र के बाद में हमने स्वस्ती वाचन और साथ में शांतिकरण के मंत्रों के पश्चात हम यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रज्वलित करवाते हैं, कबूल नहीं है। इसके बाद में ओम ओम ले पदुस्वाग्ने ओम उद्भुज स्वाग्ने प्रतिजा रहे अस्मिन् विश्वे देव यजमानस्यसि दत्ताये संविधानं मायात्मा जाता वेदस्येने दस्वावर्दस्वते जवर्दया पूर्णमेवा स्वाहा।
डाल दो वोट।
कुछ भी लिया बदले में इसके, कुछ भी लिया दुनिया में आकर तू जब तक जिया, दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सुमरन किया, कभी उस पिता का न सुमरन किया, पल पल में आयु गई जब गुजर, पल पल में आयु गई जब गुजर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, नादान इंसान मत याद कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, नादान इंसान मत याद कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, सितम तो करेगा कहां जो
क्षत्रिय भाई मानते हैं, पुराणिक भाई मानते हैं, हम आर्यजन मानते हैं, जितने भी देवता कोई 33 करोड़ मानता है, कोई 33 मानता है, और अब तो हमारी जनसंख्या भी बढ़ गई है, असंख्य देवताएं हो गए हैं, परंतु इतना मान के चलिए हमारे घर में जो बैठे हुए माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। परमेश्वर परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया, अभी भजन सुन रहे थे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, रामकृष्ण जी के मुखारविंद से सुंदर भजन सुन रहे थे। हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, इसमें घाट बाद कुछ नहीं है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ये हाँ गाइए गाइए जी, मैं तो चलो चलो आगे, चलो। तो मैं ये कह रहा था उस परमेश्वर परमात्मा के दरबार के अंदर कहीं किसी प्रकार अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि भाई 50 कर्म बुरे किए और 25 कर्म जो है अच्छे कर लिए तो हमको जो है 25 का ही फल मिलेगा, नहीं, 50 बुरे के बुरे का बुरा फल मिलेगा 50, उसमें कम एक मात्र नहीं होगा, और 25 हमने अच्छे कर्म किए 25 का ही अच्छा फल मिलेगा, इसमें घाट बात बिल्कुल नहीं है। और उस परमेश्वर परमात्मा तक पहुंचने का कोई और दूसरा साधन नहीं है, अपने कर्म फल सिद्धांत ही है। अच्छा करेंगे अच्छे के माध्यम से, शुभ कर्मों के माध्यम से, आपने यज्ञ किया, घी लाए, सवेरे उठ करके यहाँ पर आए, सब अच्छी सुव्यवस्था थी, और उस सुव्यवस्था के अंदर बैठ करके उस प्रभु को याद किया, और देवता नाम मुखम अग्निम, सारे देवताओं का जो प्रमुख देवता है, जितने प्रकार की हमारी पूजा पद्धति है उन सब पूजा पद्धति में यज्ञ भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और जो हम घी आदि की आहुति देते हैं, 100 ग्राम की आहुति दी, यदि 100 ग्राम के आहुति का हम घी का हलवा बना करके खाते तो 2 आदमी खाते, 1 आदमी खाता, 10 खा लेते, और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म करके सरसों के दाने के बराबर, हेमोपैथिक के टेबलेट के बराबर करके हम 1000 आदमियों को बांट सकते थे, परंतु ये 100 ग्राम जो है 8 करोड़ और 8 करोड़ दूसरे जो है प्राणी है, तो अरबों की संख्या तक जीव मात्र के लिए ये सुगंध फैला करके सबको लाभ पहुंचाता है। और यज्ञ वही भुवन सेना भी, यज्ञ को जो बतलाया गया हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गुणगान किया कि यज्ञ ही करो, यार ये जो भुवन पृथ्वी के नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु, जिस प्रकार से ये हमारा नाभि है उसी प्रकार से ये भूमंडल का, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, यज्ञ है। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा हाँ कि यज्ञात भवति पर्जन्यादि, तो यज्ञ से जो है वर्षा आदि होती है, वर्षा आदि से जो है हमारा अन्न परिपक्व होते हैं, और अन्न आदि को खा करके मनुष्य अपने शरीर में अष्ट धातुओं का प्रयोग वृद्धि होती है, और उस वृद्धि से जो है सुसंतान आदि को उत्पन्न करके हम संसार को चलायमान करते हैं। पहले हमारे जमाने में 36 करोड़ की जनसंख्या थी भारतवर्ष की, आज जो है 1 अरब 36 करोड़ हो गया, तो बढ़ रही है ना, तो किससे, ये अन्न आदि, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन, अन्न निंदा, अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, जो से देते हैं संतोष होकर के, और ये परमेश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, ये कण कण के अंदर विद्यमान है, उसको ध्यान में रखते हुए हम श्रेष्ठ कर्म में विचार करके धर्म अर्थ काम मोक्ष के तरफ प्रवृत्त हो, यही
ये 5 मिनट के अंदर ये संक्षिप्त में मैंने संदेश दिया, और आगे के कार्यक्रम में जैसा भी शास्त्री जी का निर्देश होगा।